हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अरुणास किचन। आज हम बनाएंगे बाजरे की मीठी रोटी। ये एक गुजरात की ट्रेडिशनल रेसिपी है। गुजराती में इसको रणकली कहते हैं। मुझे तो ये रणकली नाम भी बहुत ही मीठा लगा। आजकल ये बहुत कम घरों में बनती है, तो विश्रांति वांगी है। तो चलिए बाजरे की मीठी रोटी रणकली बनाने के इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। 2 कप बाजरे का आटा, 1/2 कप ग्राइंड की हुई शुगर, दूध लिए। ये जो रोटी का डो बनाएंगे वो दूध से बनाएंगे, जितनी जरूरत लगेगी उतना लेंगे। 2 टेबलस्पून की, 1/2 टीस्पून इलायची का पाउडर, पिंच सॉल्ट। तो चलिए बना लेते हैं बाजरे की रोटी रणकली। पहले हम डो प्रिपेयर कर लेंगे। एक बाउल लिया, आटा ऐड करेंगे, इलायची का पाउडर, सॉल्ट, ग्राइंड की हुई शुगर, घी, सारी चीजों को मिक्स कर लेंगे, अच्छे से मिला लेंगे। सारी चीजें अच्छे से मिक्स हो गई है, दूध डालेंगे। दूध हमें फ्रिज वाला ठंडा नहीं लेना है, रूम टेम्परेचर वाला दूध हमें यूज करना है। थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे। और इसका डो प्रिपेयर कर लेंगे। हमारा डो अच्छे से प्रिपेयर हो गया है। और इतना डो प्रिपेयर करने के लिए मुझे 1/2 कप जितना दूध की जरूरत पड़ी थी। अभी ये डो को हम 2 मिनट तक अच्छे से मसल देंगे। इस तरह से मसलने से हमारी रोटी बहुत ही अच्छी बनेगी। ये जो डो है उसको मैंने 2 मिनट तक अच्छे से मसल लिया है, देख सकते हैं एकदम सॉफ्ट हो गया है। चलिए अब इसमें से गोले बना लेते हैं। इस तरह से गोले प्रिपेयर कर लेंगे। और अभी रोटी रोल कर लेंगे। और अभी ये मीठी रोटी को हम रोल कर लेंगे। सूखा आटा ले लेंगे थोड़ा सा। ज्यादा बड़ी और पतली नहीं करेंगे, छोटी छोटी ही करेंगे। हमारी रोटी को रोल कर लिए, स्पून की हेल्प से इसमें मार्क दे देंगे जिससे ये फूले नहीं। चलिए अभी ये रोटी को सेक लेते हैं। एक तवा लिया, फ्लेम ऑन किया, तवा हमारा गर्म हो गया है। ये जो रोटी हमने बना के रखी है वो सेक लेंगे। फ्लेम हमें स्लो टू मीडियम रखनी है। अभी ये रोटी को टर्न कर लेंगे। दूसरी साइड सेक लेंगे। और अभी इसको इस तरह से दबाते हुए सेक लेंगे। आप चाहे तो कपड़े से भी सेक सकते हैं। टर्न करके चेक कर लेंगे, देख सकते हैं बहुत ही अच्छे मार्क है। दूसरी साइड भी अच्छे से सेक लेंगे। दोनों साइड से अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो तब तक हम इसको सेक लेंगे। हमारी ये रोटी दोनों साइड से अच्छे से सिक गई है। इसको निकाल लेंगे, थोड़ा सा घी लगा लेंगे। बाकी की सारी रोटी भी इस तरह से प्रिपेयर कर लेंगे और सर्व कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, रेडी है हमारी बाजरे की मीठी रोटी रणकली। स्टार्टिंग में जो रोटी पे हमने घी लगाया था वो सारा घी ये रोटी एब्जॉर्ब कर लेगी।
तो सर्व करते वक्त आपको वापस से इस पे घी लगाना है या फिर कटोरी में इस तरह से घी सर्व करना है। इसके अलावा ये बाजरे की मीठी रोटी अचार, चाय या दही के साथ भी बहुत मस्त लगती है। बाजरे की ये रोटी को कट करके देख लेंगे, देख सकते एकदम खस्ता बनी है, बिस्किट की तरह बनी है। तो फ्रेंड्स, एकदम क्रिस्पी, खस्ता, हेल्दी और टेस्टी ऐसी हमारी बाजरे की मीठी रोटी रणक लिए प्रिपेयर हो गई है। आप चाहे तो ये रोटी में 2 टीस्पून जितनी ज्यादा शुगर भी डाल सकते हैं। ये रोटी को एकदम स्लो फ्लेम पे पेशेंस रख के हमें सेकना है, तो ये बिस्किट की तरह एकदम खस्ता बनेगी। तो फ्रेंड्स, ये बाजरे की मीठी रोटी रणक लिए आप भी जरूर बनाना, आपके रिव्यूज मुझे जरूर बताना, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।